इसराइल के लिए लेबनान का हिजबुल्ला एक ऐसा दर्द बन गया है जिसका इलाज आईडीएफ के पास अभी तक मौजूद नहीं है। उल्टा अब हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इसराइल में दहशत का माहौल है। उत्तरी इलाके में लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं जिसकी वजह से लाखों इसराइलियों को बम शेल्टर में जाना पड़ रहा है। और एक्सपर्ट्स इन हालातों को हिजबुल्ला की बड़ी जीत मान रहे हैं क्योंकि उत्तरी इसराइल में पिछले एक साल से कमोबेश यही हाल है। इसराइल में पिछले एक साल से जैसे ही हवाई हमलों के सायरन बजते हैं वैसे ही लोगों में भगदड़ मचने लगती है और अब हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर एक धीमे जहर की तरह असर कर रहा है जो इसराइल की लगातार सैन्य ताकत को कम करने में लगा है। और इसी कड़ी में अब हिजबुल्ला ने तेल अवीव में घुसकर एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने तेल अवीव में आईडीएफ के इंटेलिजेंस बेस को निशान हिजबुल्ला का कहना है कि उसने तेल अवीव में आईडीएफ के इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने हाइफा में एक नौसैनिक अड्डे पर भी रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्ला के इन हमलों को देखते हुए तेल अवीव में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहीं इस हमले को लेकर ईरानी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी का कहना है कि हिजबुल्ला ने तेल अवीव पर गाइडेड मिसाइलों का एक जत्था फायर किया और इस हमले के तुरंत बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने हाइफा के स्टेला मारिस नौसैनिक अड्डे पर भी कई मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों के इतर हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि हाइफा से करीब 35 किलोमीटर दूर जिखरन और सिसीरा रिजॉर्ट में भी उसने कई धमाके किए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने मागन माइकल के बुट्स और दक्षिणी हाइफा में आईडीएफ की पोजीशंस पर हमला किया। आपको बता दें कि इन हमलों से पहले हिजबुल्ला ने तेल अवीव के पास गिलेलेट मिलिट्री बेस पर मिसाइल का एक साल्वो फायर किया था और इस हमले की वजह से समारिया और मोदीन इलाके में हवाई हमलों के सायरन बजे थे। यहां तक कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही तक बंद करनी पड़ी थी और यही वजह है कि अब हिजबुल्ला के इन हमलों की वजह से इजरायली एजेंसियों को तेल अवीव इलाके में आपातकाल घोषित करना पड़ा। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रफीक हरीरी हॉस्पिटल के पास हवाई हमला किया था जिसमें 32 लोग घायल हुए थे और कम से कम 4 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि यह हमला इतना भीषण था कि रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने 21 अक्टूबर 2024 की रात को यहां कम से कम 15 हवाई हमले किए हैं।